कैसे हो रॉड वाले एम्पायर्स के महारथियों। मैं जानता हूँ भाई तुम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है ताकि तुम लोग भी भाई इस गेम के अंदर प्रो बन सको, क्योंकि भाई ये गेम आने वाले टाइम में भाई ई स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया में बूम कर सकता है, जो कि अभी भी कर रहा है। करंटली इस गेम के अंदर भाई 10 लाख का टूर्नामेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो तुम भी अगर चाहते हो क्या भाई उस टूर्नामेंट में तुम लोग भी तक फाइनल तक जाओ, तो इस वीडियो को एंड टू एंड तक देखना, ठीक है, ताकि तुम लोग भी भाई इस गेम के अंदर प्रो बन सको। जो लोग इस गेम के अंदर नए हैं भाई, जो लोग इस गेम को नया स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ें मिस करते थे इस गेम के अंदर स्टार्टिंग में ही, और बहुत सारी गलतियां करते थे। तो तुम लोग वो अगर इस गेम को स्टार्ट कर रहे हो और वो गलतियां नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ये रही गाइस रोड टू एम्पायर की मेन लॉबी, ठीक है। तुम जैसे ही गेम स्टार्ट करते हो तो वैसे तो तुमको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 गार्डियन तुमको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 4 फैक्शंस होते हैं। पहला होता है नॉर्मन, पर्शियन, रोमन और इंडियन फैक्शन, जो कि अभी ऐड हुआ है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई इसकी करेंसी के बारे में। इस गेम के अंदर मेनली 2 करेंसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखनी पड़ती है। पहला है गोल्ड, दूसरा है डायमंड, ठीक है। चलते हैं लेफ्ट कॉर्नर में। तो भाई इधर तुमको मिलेगा प्रोफाइल का सेक्शन, जहाँ पर तुम्हारा नाम, गेम की आईडी, तुम कौन से अलायंस के अंदर हो, और भाई तुम्हारे तुमने अभी कितने मैचेस खेले हैं, कितने तुमने यूनिट्स फाउंड किए हैं, वो सारी डिटेल तुम्हारी प्रोफाइल की यहाँ पे, तुम्हारे गार्ड की एचपी सारी ये तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। नहीं तुम लोगों को यहाँ पर देखने मिलता है डेक का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर तुम प्री प्लान तुम्हारे डेक बनाकर रख सकते हो, 1 से लेके 5 गार्डियन। तुम लोग कोई भी तुम्हारे फेवरेट गार्डियन सिलेक्ट कर लो, उसका डेक बनाकर रख लो। जैसे तुम 2 पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा रेडीमेड गार्डियन और यूनिट तुमको मिल जाएंगे और तुम तुरंत ही बैटल में उतर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा और नीचे आते हैं, तुमको यहाँ पर देखने मिलता है ट्रॉफ़ी का सेक्शन, ठीक है भाई। यहाँ पर तुम लोगों को दिख रही होगी मेरी ट्रॉफीज़, जो कि भाई अभी बहुत कम है ऑलरेडी। यहाँ पर तुमको लिख रहा होगा Battlefield 7। तो जैसे जैसे तुम लोग ट्रॉफी भाई पुश करते जाओगे, वैसी वैसी तुम्हारी नई नई Battlefield ओपन होती जाएगी, और उसी के अंदर तुमको एक और बटन दिखने मिलता है यहाँ पे रैंकिंग का। यहाँ पर भाई तुम लोग देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से रैंक पर है, अपने इंडिया के लोग कौन से रैंक पर है, यहाँ पर तुम अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर तुमको मिलेगा फ्रेंडली बैटल, यहाँ पर तुम फ्रेंड ऐड करके अपने फ्रेंड के साथ बैटल कर सकते हो। और नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा भाई 2v2 का मैच। इसके अंदर भाई तुम्हारी कोई रैंकिंग प्लस नहीं होती, बस तुमको ट्रॉफी मिलेगी, गोल्ड मिलेगी, वो सभी मिलेगा, बस इसमें कोई भी तुम्हारी ट्रॉफी प्लस नहीं होती। यहाँ पे तुम क्विक बैटल पे क्लिक करके अपनी एक 2v2 मैच खेल सकते हो। और नीचे आते हैं, उसके नीचे होगा कस्टम बैटल, जहाँ पर तुम कस्टम बैटल करवा सकते हो, अपने फ्रेंड को सीधा कोड भेज के कस्टम बैटल कर सकते हो। अभी चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर तुमको भाई 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है ये डेली मिशंस का, ठीक है। ये डेली मिशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इस गेम में नहीं आए तो भाई मेक श्योर भाई तुम डेली रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जैसे ही 15 डेली मिशन कंप्लीट करते हो तो तुमको मिलेगी बैटल, ये चेस्ट मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर तुमका भाई चांस होता है मिथिक मिलने का। दूसरा, अगर तुम 30 कर देते हो कंप्लीट, तो भाई तुम्हारा वो चांस और बढ़ सकता है और तुमको भाई गार्डियन भी मिल सकता है इसके अंदर। और अभी ये अगले ऑप्शन की तरफ जाए तो तुमको दिखे भाई ये जेम्स वाला दिखेगा, जैसे शील्ड बनी और उसके ऊपर जेम्स बने, उसके ऊपर अगर तुम क्लिक करते हो तो ये इनविटेशन का ऑप्शन है, जहाँ पर भाई तुम लोग आसानी से बहुत सारे जेम्स कलेक्ट कर सकते हो। बस तुमको भाई इन्वाइट करना अपने फ्रेंड को, वो जैसे ही गेम खेलेगा, एक मैच खेलेगा, तो तुमको वैसे ही डायमंड्स मिल जाएगी। अभी नीचे आते ये तो सोशल मीडिया है गेम्स के, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर तुमको गेम के सोशल हैंडल मिल जाएंगे। और इसके ऊपर देखोगे तुम 3 लाइन वाला ऑप्शन, तुम जैसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो तुमने डेली मिशन तो मैं ऑलरेडी बता दिया है। उसके नीचे आते हैं ये डेली रिवॉर्ड्स वाला, अटेंडेंस रिवॉर्ड्स। भाई डेली यहाँ पर तुमको 100 जेम्स, 500 जेम्स, मतलब अलग अलग दिन पे अलग अलग तुमको रिवॉर्ड्स मिलते रहे पे। यहाँ पे कीज़ मिलती है भाई, चेस्ट मिलती है, एसेंस मिलता है। इसकी जो मेन की 3 करेंसी है, तीसरी एसेंस भाई जो तुमको गार्डियन ओपन करने में बहुत हेल्प करती है, वो भी तुमको यहाँ पे मिल जाते हैं। और तुम एड्स देखकर इसको डबल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आते तो भाई यहाँ पे अचीवमेंट का सेक्शन है, जहाँ पर भाई मेरा एक अचीवमेंट अभी भी बाकी है। अभी चलते देखो, अभी भाई मेरा कोई तो अचीवमेंट कंप्लीट हुआ है, पता नहीं कौन सा है, समन गार्डियन 3, टाइम इज मनी। भाई गेम ओपन करते मेरा अचीवमेंट होने। अभी बात करते अगले ऑप्शन की, तो यहाँ पर भाई तुम्हारा मेल का इनबॉक्स मिल जाएगा, वो एक गेम का कोई भी अपडेट वगैरह होगा तो भाई तुमको इधर मेल मिल जाएगा। और अगला नीचे जाए तो तुमको मिलता है सेटिंग का ऑप्शन, जहाँ पर भाई तुम सारी सेटिंग देख सकते हो, म्यूजिक, SFX,
क्वालिटी, ग्राफिक्स वगैरह। यहाँ पर तुम अगर अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और नया अकाउंट लिंक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर चलते हैं राइट साइड में, तो अगर ये रैंकिंग का सिस्टम है, और अगर तुम जाते हो राइट साइड में तो यहाँ पर तुमको एक टीवी जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसमें मिलेगा भाई तुम्हारे को बैटल्स ऑफ ग्लोरी। यहाँ पर जो टॉप लेवल के प्लेयर्स जो है भाई बैटल करते हैं, उनके मैच तुम लाइव देख सकते हो कि वो लोग कैसे मैच खेल रहे हैं, भाई कौन से ट्रूप यूज़ कर रहे हैं, और उनके ट्रूप्स भाई तुम लोग कॉपी कर सकते हो। मैं बताता हूँ तुमको कैसे। अभी तुम देखो यहाँ पर तुमको दिखेगा हेडिस वर्सेस बेवुल्फ। अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो भाई दोनों की डेक्स मुझे यहाँ पर मिल जाती है कि भाई वो कौन से यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही यूनिट्स भाई, ये कॉपी का ऑप्शन है यहाँ पे, दो तुमको पेपर जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा, जो तुम कॉपी करोगे तो यहाँ पर भाई तुम्हारे कोई भी डेक में एक से लेके पाँच के अंदर तुम क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा। अभी बात करते हैं अगला, तो यहाँ पर भाई तुमको एक फिल्म कैमरा जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि भाई तुम लोग अभी कितने, तुमने जितने भी बैटल लोग हो तुम्हारे, तुमने कौन सी मैचेस खेली है अभी, वो सारे तुम लोग अपनी खुद की मैचेस देख सकते हो। तो ये तो भाई हो गया इंटरफेस का। अभी और थोड़ा नीचे आते हैं तो भाई तुमको ये मिलेगा पास। तो ये पास भाई, अगर तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम भाई ये पास ले लो, चूँकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डेली के तुमको डायमंड्स मिलते हैं, एसेंस मिलते हैं, तुमको चेस्ट में भाई बहुत फ़ायदा होता है। और राइट साइड में मिलेगा भाई तुम्हारे को बैटल का ऑप्शन, तुम डायरेक्ट सीधा बैटल में जा सकते हो उसके ऊपर क्लिक करके। और राइट साइड जाओगे तो तुमको मिलेगा भाई यहाँ पर ट्रेनिंग बैटल, ठीक है। तो यहाँ पर भाई तुम ट्रेनिंग के थ्रू, यहाँ पर जैसे तुम ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे वैसे वैसे तुमको चेस्ट मिलती जाएगी, और जैसे तुम बिगिनर कंप्लीट करोगे तो तुमको 150 जेम्स मिलेगा, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो तुमको 200 जेम्स मिलेगा, और एडवांस कंप्लीट करोगे तो तुमको भाई 250 मिलेगा। तो भाई तुम यहाँ से भी जो है जेम्स यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अभी और थोड़ा नीचे आते तो तुमको भाई मिलेगा यहाँ पर, जो तुम बैटल करने के बाद तुमको चेस्ट मिलती है वो तुम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अभी मैं तुमको एक ओपन करके बताता हूँ यहाँ पर। तो भाई देखो अभी जैसे इसके अंदर भाई कुछ चीज़ें ओपन हुई, तो मैं तुमको बताता हूँ भाई पास का फ़ायदा। यहाँ पे मुझे हर चेस्ट में भाई री ओपन का चांस मिलता है। अगर तुम्हारे पास पास नहीं तो तुमको री ओपन का चांस नहीं मिलेगा। तो अभी चलते हैं री ओपन करते, देखते भाई हमको क्या मिलने वाला री ओपन करके। तो भाई देखो सेंचुरी ऑफ डेड भाई मैं बेवकूफ़ के साथ यूज़ करता हूँ, तो भाई मुझे मेरी काम की चीज़ मिल चुकी है। तो ऐसा भाई फ़ायदा है तुम्हारा पास का, ठीक है। अभी और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये बेटर भाई मेन लॉबी है। अभी चलेंगे हम लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भाई तुमको तुम्हारे गार्डियन सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से गार्डियन सिलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ पर तुमको भाई तुम्हारे यूनिट चेंज करना है, तुम यहाँ पे तुम्हारे यूनिट चेंज कर सकते हो, कैसे तुमको यूनिट चेंज करना है वगैरह, ठीक है। तुम्हारे पास जैसे भी यूनिट्स हो गए, तुमको भाई अपग्रेड करना हो, उसको निकालना हो या किसी और को डालना हो डेक के अंदर, यहाँ से भी तुम जो सिलेक्ट करोगे भाई डेक में वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तुमको भाई हर यूनिट्स की डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पे कैसे कैसे। तो चलते भाई शॉप के अंदर, तो यहाँ भाई एक से एक ऑफर चलती रहती है, अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम खरीद सकते हो। यहाँ पे भाई तुमको मिलती है विक्ट्री चेस्ट। अभी यहाँ पर देखो भाई बहुत सारे लोग जो है रिसेंटली जो उनको डायमंड्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, वो लोग इस चेस्ट पर बर्बाद कर देते हैं। तो भाई तुम लोग ध्यान रखना, जेम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसको बर्बाद मत करो। जैसे भाई तुम्हारे 2500 जेम्स हो जाएंगे तभी तुम जो एक ग्लोरियस टाइम वाला है तब ओपन करना, तो भाई उसमें चांस होता है तुमको मिथिक मिलना, जिसमें भाई तुमको गारंटी एक मिथिक मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था इनकी करेंसी की, तो ये जो है एसेंस, एसेंस बहुत काम की चीज़ है। जैसे तुम 300 एसेंस करते हो तुमको एक गार्डियन समन करने का मौका मिलता है, और बाद में तुम देखोगे इक्विपमेंट भाई नए प्लेयर से भाई वो इक्विपमेंट का यूज़ करते ही नहीं है। तुम अपने यूनिट्स को भाई इक्विपमेंट लगा के बहुत ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो, 4-10% 15% तक अपने डैमेज बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। और वो तुमको कैसे मिलेगा भाई, आयरन जमा करके। तो तुम जितना ज़्यादा आयरन जमा करोगे उतना तुम इक्विपमेंट ले पाओगे। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो डेली भाई तुमको यहाँ पे 3 चेस्ट मिलती है, ठीक है। तुम हर 3 घंटे में एक चेस्ट ओपन कर सकते हो, यहाँ पर एक चेस्ट ओपन करते हो अभी। तो यहाँ पर देखो भाई मेरे को बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली है, पर मैं फिर से अगर रीओपन करना चाहूँ तो मैं इसको रीओपन भी कर सकता हूँ। देखो चलो इसको रीओपन करते हैं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ तुमको मिल। तो भाई देखो भाई यहाँ पर मेरी जो काम की मेन यूनिटी भाई ट्रोजन हॉर्स, वो मुझे उसका अपग्रेड मिल गया है। तो भाई मैं इसको अपग्रेड कर दूँगा बाद में। और राइट साइड में देखो तो भाई ये जो है रिवॉर्ड लेडर एड्स, यहाँ पर हर मिनट में तुम यहाँ पर रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुमको 500 मिलेंगे, 500 गोल्ड, 15 डायमंड, 5 कीस, 150 आयरन और 10 एसेंस। ये सारी चीज़ें भाई तुमको हर रोज़ कलेक्ट करनी ही करनी है।
अगर तुमको मिथिक चाहिए या जेम्स जमा करने वो सब। और यहाँ पे डेली डील्स भी मिलती है जो तुम डायमंड से परचेस कर सकते हो, और एक होता है फ्री वाला जो मैंने कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पर तुमको कैश भी मिल सकता है, तुमको डायमंड मिल सकते हैं, या फिर तुमको कोई चीज़ का अपग्रेड मिल सकता है, या चेस्ट मिल सकती है। ठीक है, वो नीचे जाओगे तो भाई तुमको डायमंड्स खरीदना है तो उसका ऑप्शन है, गोल्ड खरीदना है तो उसका ऑप्शन है। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पर राइट साइड में बैटल के। तो यहाँ पर भाई तुमको मिल जाएगा अलायंस का ऑप्शन। अलायंस अगर तुम ज्वाइंस नहीं कर रहे हो तो भाई तुम लोग बहुत पीछे रह जाओगे। कोई भी अलायंस जो है भाई तुम ज्वाइन करके रखो, चूँकि उसमें भाई तुमको फ्री की कीज मिलती रहती है। यहाँ पर अगर तुम की रिक्वेस्ट करते हो या किसी को डोनेट करो तो भाई तुम्हारी की बिल्कुल वेस्ट नहीं होती है। बहुत गलत फहमी लोगों को कि भाई अगर हम की डोनेट करते हैं तो हमारी की वेस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर तुम लोगों ने अलायंस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर भाई तुम कोई भी एक अलायंस अच्छा सा ज्वाइन कर लो। और बाजू में चलता भाई फ्रेंड का सेक्शन, यहाँ पर तुम अपने फ्रेंड्स ऐड कर सकते हो या किसी को रिक्वेस्ट भेजना हो तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो यहाँ पर उसके आईडी या नाम डालकर। ठीक है, अगर चलते आगे चैलेंज की तरफ, यहाँ पर भाई गार्डियन ट्रायल करके चैलेंज होता है, जहाँ पर तुमको बहुत अलग अलग, अगर तुम चैलेंज कंप्लीट करते हो तुमको चेस्ट मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं, डायमंड मिलते हैं। तुम यहाँ से तुम्हारी डिफ़िकल्टी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल हार्ड दो डिफ़िकल्टी है। ठीक है, तो ये तो भाई हो गया तुम्हारा इंटरफेस का, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा बिल्कुल सब कुछ डिटेल में एकदम बता दिया है। अभी चलते भाई बैटल के अंदर, तुमको मैं तुमको एक बैटल दिखाता हूँ मेरी, जिसके थ्रू मैं तुमको समझा सकूँ और। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैटल देखते भाई, मैं बहुत सारी बैटल अभी हारा हूँ ऑलरेडी, तुम देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैंने एक मेरी बैटल लगा दी, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर के साइड में है वो तुम्हारे अपोनेंट का डेक और वो सारी चीज़ बताता है। जब तुम मैच खेलते हो तब तुमको नहीं दिखेगा कि भाई वो क्या अगला लॉन्च करने वाला है। ठीक है, ये तो मैं मैच मेरा रीमैच कर रहा हूँ इसलिए भाई तुमको रीवॉच कर रहा हूँ इसलिए तुमको भाई दिख रहा है कि सामने के पास क्या ट्रूप्स वगैरह है। ठीक है, अभी बात करते हैं नीचे की ओर। तो भाई ये तुमको जो बीच में मेन टावर दिख रहा है तुम्हारा नीचे एकदम डाउन साइड में तुम देखो तो भाई ये तुम्हारा कीप टावर है। ठीक है, इसकी एचपी सबसे ज़्यादा होती है, ये भी डैमेज देता है जब इसके ऊपर अटैक होता है तब। राइट में और लेफ्ट में दो टावर तुमको मिलेंगे जिसको बोला जाता है गार्ड टावर, जो कि भाई तुम्हारे कीप टावर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग नीचे आओगे, मैं तुझको थोड़ा करता हूँ स्टार्ट। तो अभी तुम देखो तो यहाँ पर जो नीचे जो फूल हो रहा है, यहाँ पर तुम देख सकते हो नीचे एक ब्लू लाइन यहाँ पे फूल होती दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं एमपी। अभी तुम हर डेक के ऊपर भाई तुमको नंबर दिख रहे होंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये 10 MP का पूरा फील बार होता है, ये 10 MP फुल होती है। उसके बाद तुम भाई तुम्हारा हिसाब से, जैसे अभी मैंने ट्रोजन होल्ड डाला है वो 7 MP का था, तो भाई ये 10 में से 7 MP कम हो जाएगी, फिर वैसे धीरे धीरे फुल होती जाती है। ठीक है, तो ये था गाइस MP। अभी लेफ्ट साइड में दिखोगे भाई तुम्हारे गार्डियन के साइड, तो नीचे तुमको दिखेगा भाई मैक्स 5, तो वहाँ पे उसको बोला जाता है CP, जो तुम्हारे गार्डियन की हेल्थ होती है, मतलब हेल्थ नहीं बोल सकते उसको, वो CP होती है। उसके बाद तुम भाई तुम्हारे गार्डियन की पावर यूज़ कर सकते हो, अलग अलग गार्डियन की अलग अलग पावर होती है, उसके बारे में अलग अलग वीडियो में बात करेंगे Part 2 के अंदर। तो भाई तुम लोग ये देख सकते हो, अभी मेन तुम्हारा टारगेट क्या होता है बैटलफील्ड के अंदर, कि भाई तुमको सामने वालों के टावर जो है डिस्ट्रॉय करने हैं। तुम एक टावर डिस्ट्रॉय करो और अपने तीनों तीन बचा लो तो भी तुम जीत सकते हो। यहाँ पर भाई एक टाइम लिमिट होता है, 3 मिनट का टाइम लिमिट। उसके बाद अगर तुम दोनों का कोई भी गार्ड टावर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पर एक मैच, जैसे यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाए और मैंने भाई CP यूज किया, जैसे मैं ट्रूप छोड़ता हूँ वैसे वैसे मेरी जो है MP कम होती जाती है। जैसे अभी तुम लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारे टावर की हेल्थ दिख जाएगी, तो ये टावर की हेल्थ जैसे खत्म होती है वैसे तुम्हारा टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वहाँ टावर के नज़दीक से भी वो सामने वाला एनिमी अपने यूनिट्स भेज पाएगा और तुम भी सेव कर सकते हो। तो भाई तुम लोगों को भाई मैंने ये बैटल को समझा दिया है। ठीक है, चलते अभी बैक। सो गाइज, ये तो था भाई गेम का बेसिक नॉलेज के भाई तुम लोग कैसे गेम के अंदर आते हो, तुम लोग को क्या। ये था गाइज गेम का बेसिक नॉलेज, भाई तुम लोग को मैंने दिखा दिया है कि तुम लोग को डेली आकर डेली रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें तुमको मिस बिल्कुल नहीं करनी है, और तुम लोग कैसे इजीली भाई अपने डेक्स बना सकते हो, सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, तुम पहले से प्रिपेयर रहो सीधा और बैटल में उतर सको। मैंने तुमको सारी चीज़ें बता दी, आई होप तुम लोग को भाई ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले गार्डियन और यूनिट्स के बारे में, तो भाई तुम लोग उसके लिए भी तैयार रहना। अगर जिस चैनल पर नए हो तो भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मेक श्योर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।